नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों, बेहद बड़ी खुशखबरी, कच्चे कर्मचारियों के लिए ऑर्डिनेंस पास हो चुका है और कच्चे कर्मचारियों को पक्के होने की लिस्ट अधिकारी निकाल रहे हैं। आपको लिस्ट दिखाता हूं मैं सबूतों के आधार पर। हाँ जी, ये देख लीजिए, आपके व्हाट्सएप अन्य ग्रुपों में भी वायरल हो रहा होगा। ये लेटर ACS 25 तारीख का है और यहाँ पर साइन भी आप देख सकते हैं, ये साइन हुए हुए हैं। यहाँ नीचे देख लीजिए, सभी अफसरों के साइन हैं। हरियाणा सरकार का ये नोटिफिकेशन है, लेकिन है क्या मैं आपको ये भी बताऊँगा। इसके साथ ही ये भी दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें हरियाणा सरकार ने लागू की हैं। यहाँ आप नीचे साफ साफ देख सकते हैं कि 10 साल से यदि आपको ऊपर हुए हैं सर्विस करते हुए, 15% इंट्री पे रहेगा। और आपको सैलरी भी दिखाऊंगा, आपका बेसिक के आधार पर कितनी बनेगी। वहीं पर 8 ईयर से ऊपर तो 10% इंट्री पे, 5 साल से ऊपर सर्विस है तो यहाँ 5% आपको मिलने जा रहा है। और यहाँ नीचे क्या क्या मिलेगा साथ में, ये देख लीजिए। नंबर एक पर हेल्थ बेनिफिट के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि चिराऊ एक्सटेंशन स्कीम आपको मिलेगी। साथ में डेथ कम रिटायरमेंट गारंटी यानी कि डेथ कम, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप लगे रहेंगे, यानी कि 58 साल तक। नंबर फोर, मैटरनिटी बेनिफिट यानी कि आपकी पत्नी को यदि बच्चा हुआ है तो उसकी छुट्टियाँ मिलती हैं, सोशल सिक्योरिटी वो भी आपको मिलेंगी, मैटरनिटी लीव भी मिलेगी। साथ ही एक्सग्रेसिया यदि आपकी मृत्यु हो जाने के बाद आपके घर के कोई भी परिवार मेंबर लगना चाहता है तो उसको भी नौकरी मिल जाएगी। ये सभी सुविधाएं रेगुलर को मिलती हैं जो कि अब आपको भी मिलने जा रही हैं। देख लीजिए, पहले ये लेटर वायरल हो चुका है, 25 तारीख की यहाँ डेट है। और IPRL, यह एक चीज़ देखने की, IPRL कुछ कच्चे कर्मचारी ये सोच रहे कि पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हरियाणा का ये नहीं है, एक डिपार्टमेंट का है ये, जिस डिपार्टमेंट ने इसको लागू किया है आपके डिपार्टमेंट भी लागू करेगा, वो भी ऐसे ही एक नोटिफिकेशन निकालेगा और आपकी लिस्ट निकालेगा साथ में इसी ऑर्डिनेंस के तहत। ये क्या है ये आपको ये भी बता दूँ, ये हरियाणा के अंदर एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, उसका ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहले पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने पक्का करने की लिस्ट जारी की है, यानी कि आपकी भी लिस्ट कभी भी आउट हो सकती है। ये देख लीजिए, मेंबर यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, डॉक्टर सालिन IAS डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन लैंग्वेज डिपार्टमेंट, ये जो कमिश्नर हैं, चीफ हैं, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन यानी कि IPRL ये डिपार्टमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन लैंग्वेज हरियाणा, उन्होंने ये 30 तारीख की उसमें अपने सभी कर्मचारियों की लिस्ट निकाल दी है। ये सभी डायरेक्टर जितने भी हैं ट्रेजरी सभी को भेज दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी बेसिक सैलरी कितनी है उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। पहले ही ये टोटल मेम्बर हैं उनके हिसाब से, यदि आप भी इस बेसिक पे में आते हैं तो आपको कितना मिलेगा। जैसे एक नंबर पे आप देख रहे होंगे, इसके अंदर ड्राइवर की है, सी ग्रेड की है, नौकरी है, 25,500 इसका बेसिक रहेगा, यानी 25,500 बेसिक जिसका भी है, जो भी कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में है तो यदि उसको कम से कम 10 साल से ऊपर हो चुका यानी कि उसकी सर्विस 10 साल से ऊपर है तो उसके 29,375 रुपये बनेंगे। साथियों, यहाँ लिखा साफ साफ और बना दिए। नीचे 10 साल हो चुके हैं जिसको, उसके 26,775 बनेंगे। साथियों, साथ ही जिसको 5 साल हुए हैं उनके 25,750 5 साल वालों के। और वहीं पर आपको बता दें साथ ही 10 साल वालों के 26,775 बनेंगे। साथियों, ये एंट्री लेवल साफ साफ दिखाया हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके आधार पर यदि आप क्लरिकल में आते हैं तो आपका 19,900 बनेगा, 19,900 के बेसिक पे से आपको उठाया जाएगा, साथ ही आपके आगे एंट्री लेवल में आपको जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिए, ये जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी की पोस्टें दिखाई हैं, जैसे कि PN का दिखाया हुआ है 17,550 दिखाया है, और साथ में आपको जितना, जैसे इसने ज्वाइन की 2018 में तो इसका 17,745 बन गया, यानी कि 5% इसको इंक्रीमेंट दिया गया है। साथ ही इसको बता दें, नीचे देख लीजिए आप, यहाँ भी साफ साफ दिया जिसका 35,400 पे लेवल है, यानी कि एंट्री लेवल बेसिक 35,400 है और वो 2008 में लगा, यानी कि 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, उसके 40,710 रुपये बन चुके हैं। तो ये अच्छा खासा पे लेवल आपको मिलेगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।